नमस्ते, आप सभी को आपका स्वागत है मेरे किचन में। तो आज हम बनाएंगे येलो राइस, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। येलो राइस बनाने के लिए हम बासमती चावल लेंगे। अगर आपके पास बासमती राइस नहीं है तो आप नॉर्मल राइस से भी इसको बना सकते हैं। अब इसको हम धो लेंगे। इसको अच्छे से धोने के बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी आप एक स्पून डालिएगा, फिर इसको अच्छे से चावल में मिक्स कर दीजिएगा और मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा। फिर हम एक कुकर लेंगे, कुकर में ऑलिव ऑयल डालेंगे और इसमें हम बटर डालेंगे, आप घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें कुछ गरम मसाला डालेंगे और तेज़पत्ता डालेंगे। फिर इसमें एक छोटा सा लाल मिर्च डालेंगे और गोल मिर्च डालेंगे। फिर हम इसमें लौंग डाल देंगे और राई डालेंगे। फिर हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता को अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। फिर प्याज को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को आप 5 मिनट तक फ्राई कीजिएगा और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए अच्छे से फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे और चावल डालने के बाद इसको अच्छे से आप फ्राई कीजिएगा। चावल डालने के बाद आप इसको 10 मिनट तक फ्राई कीजिएगा और जब ये अच्छे से चावल फ्राई हो जाए तब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी में कि साइड में चावल ना लगा रह जाए। फिर हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, हम 2 स्पून डाले हुए हैं। फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसमें हम 2 सीटी लगा देंगे और आप देख सकते हैं ये येलो राइस बन के रेडी हो चुका है। ये खाने में बहुत टेस्टी था। आप अपने घर पे इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि मेरी रेसिपी बहुत ईजी होती है। थैंक यू।